Audio Jungle. Assalamualaikum and welcome my YouTube channel. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ही ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने बहनों के लिए कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए। सैरी के लिए रोज़े तो पास में आने वाले हैं, तो सैरी के लिए आपको कुछ मज़ेदार सा क्विक वाला ब्रेकफास्ट चाहिए होगा, तो वही मैंने आपको आज सिखा रही हूँ। तो एडवांस आप सबको भी रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह करे कि आपको बहुत सी खुशियाँ और रमज़ान आपका हैरियत से हो। तो चले जी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चले जी, कुक वाला ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया और फिर पानी इसके ऊपर रख दिया और एक कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं। गर्म सी पक्की चाय बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको कड़क चाहिए हो तो 2 चम्मच पत्ती की इसके अंदर ऐड कर दें। दालचीनी और इलायची, इलायची हमारी जान है, इलायची के बगैर चाय तो बनती नहीं है। और अभी 2 चम्मच में शुगर की डालने वाली हूँ, आप अपने मुताबिक डालें जितना आप लेना चाहते हैं। मिक्स कर लें अच्छी तरह। हंसते जायका, थोड़ा सा नमक, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो अपनी मर्जी। मैं थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। अब इसके अंदर मैं दूध, 1 कटोरी दूध इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये चाय बनती है और जल्दी बन जाती है। अच्छी तरह उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको साइड पर कर दूंगी। देखें चाय में उबाल आ गया है और चाय देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। जो जो चाय के शौकीन है उन्हें पता है भी ये चाय कितनी मज़े की बनी होगी। जो नहीं है मेरी तरह उन्हें नहीं पता। तो चलें जी, ज़बरदस्त सी चाय हमारी तैयार हो गई है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और आपको एक परौंठा मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनाना भी सिखाते हैं। आटे को मैंने गूंद दिया था, 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया था, तो ये देखिए कितना जबरदस्त। तो अभी मैं आपके लिए परौंठा बनाने वाली हूँ पक्की चाय के साथ परौंठा। साग मैंने पहले बना के रख दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो उसकी लिंक नीचे है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं मैंने कितना मज़ेदार बनाया था।
जैसे यहाँ पे स्कूल पे खाना मिलता है, वहाँ पे तो स्कूल पे नहीं मिलता था, वहाँ पे घर पे लेके जाओ या पैसे लेके जाओ वहाँ से शॉप से कुछ बाय कर लो। तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। तो फिर हमारी मम्मी जो होती थी ना, वो हमें बना के दे देती थी, तो हम कहती थी ले जाए और स्कूल में फिर खा लेना। तो मैंने उनसे ही सीखा। बैठमा पकौड़ा मैं पकौड़ा कह रही हूँ, बैठमा हो गया परोठा। देखी जबरदस्त था। मौसम इतना अच्छा, पकौड़े भी बनाने चाहिए थे, फिर मैंने चलो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप लोगों के लिए हो जाए। चलेंगी जबरदस्त था। देखें जबरदस्त सा क्रंची सा बन रहा है, और साथ में पकी चाय और साथ में परोठा हो, वाह वाह क्या बात, मजा ही कुछ हो। बटर आपके देखें, आपके सामने मैंने बटर जो इसके अंदर डाला था वही है, बाहर निकल के आ रहा है। मैंने ऊपर कोई बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। आप देसी गेहूँ के साथ भी बना सकते हैं, मक्खन के साथ भी बना सकते हैं, तो मैंने बटर यूज़ किया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा परोठा मेरा तैयार हो गया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कुछ ब्रेकफास्ट होने में रेडी हो गया है। आप लोगों ने देखा है कितना मज़े का लग रहा है। तो आप टाइम आ गया, मैं इसको टेस्ट कर लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आप मेरा परोठा साग यॉगर्ट और साथ में अचार डाला है। ऐसे आप ज़बरदस्ती प्लेट बनाएं तो आपका दिल क्यों नहीं करेगा खाने का। तो साथ में माशाल्लाह ज़बरदस्ती पाकिस्तानी स्टाइल में चाय बनाई है मैंने। तो अभी टाइम आ गया, मैं टेस्ट करती हूँ। अगर आप लोगों ने खाना है, मेरे हाथ के परोठा खाना है, साग खाना है, जो कुछ भी खाना है, तो जल्दी जल्दी आ जाए, मैं आपको बना के खिलाऊंगी। तो चलें जी, अब टाइम आ गया, मैं टेस्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कितना मीठे का बनाया है। देखिए माशाल्लाह कितना क्रंची है, आवाज़ आ रही है, और साथ में माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। क्रंची बनाया परोठा मैंने सिर्फ बटर के साथ बनाया और इतना जबरदस्त बनाया। जो चाय के शौकीन है उनको पता होगा कि मैंने कितनी मजे की चाय बनाई है। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम, और सब कुछ वही है।
और इतना मजे की टेस्ट आ रही है चाय की। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।